नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपने भी अगर थंबनेल को देख के वीडियो को क्लिक किया तो आपने सही वीडियो में क्लिक किया। अगर आपको भी किसी भी नॉर्मल वीडियो को अगर आपको 4K एडिटिंग में बदलना है जिससे कि क्लियर रेडिंग और HDR इफेक्ट हम देंगे, जिसके वजह से आपके नॉर्मल जो वीडियो होता है और आपके जो HDR इफेक्ट होता है ऐसे में आपके जो वीडियो होता है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है। और ये जो वीडियो होता है ना वो इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो और यूट्यूब का हो, ऐसे प्लेटफॉर्म में ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा लेके आता है। तो ऐसे में अगर आपको भी एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा जिसका नाम है एलाइन मोशन। ये आपको क्रोम में ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें एलाइन मोशन एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आने के बाद यहाँ से पास आइकन में क्लिक करके यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करना होगा। आप चाहो तो फुल स्क्रीन भी बना सकते हो, मैं यहाँ 4:3 लेता हूँ। इसके पीछे रीजन है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और हमारा जो वीडियो है वो हमें लेना होगा या मीडिया पे आके यहाँ से हमने वीडियो ले लिया। ठीक है, प्लस आइकन जो भी आपको ऐड करना होगा तो इसमें आप प्लस आइकन में क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। अगर आप नए बंदे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वीडियो में ऊपर क्लिक करना होगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ से हम इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ हमें दो इफेक्ट ऐड करना होगा। पहला जो नाम है वो हमें सेचुरेशन और वाइब्रेंस लेना होगा। यहाँ आप सर्च करके भी ले सकते हो, अगर कोई नया बंदा आया है तो आप यहाँ सर्च करके भी ले सकते हो। तो यहाँ मेरा ऑलरेडी है तो यहाँ मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं सर्च करके आपको नहीं दिखाऊंगा बार बार, क्योंकि ऐसे में वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक्सपोजर गामा लेना है, एक्सपोजर एंड गामा लिया। इस पर पहले आपको कोई छिड़का नहीं करना है, बेक आते हैं। आने के बाद फिर से हमें एक और इफेक्ट लेना होगा जिसका नाम होगा सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से हम पे क्या होगा, जो पहले हमने लिया एक्सपोजर एंड गामा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ हमें थोड़ा छिड़खा करना होगा। पहले जो एक्सपोजर है इसको हमें 10 पे करना होगा और बाकी जो गामा है इसको हमें जो है जितना है इतना ही आपको रखना है। बस आपको पीछे जो आप देख रहे हो 35 आपको कर देना है और यहाँ जो ऑफसेट है इसको हमें -2 पे कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से हम बैक आते हैं। आने के बाद इफेक्ट पे फिर से क्लिक करते हैं और जो सेचुरेशन है इसको हमें 35+ तक हमें जो है ले जाना है। तो यहाँ मैं 35 कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ, 35 हो जाता है इसमें, 35 हो गया। तो यहाँ से बैक आता हूँ। आने के बाद यहाँ से क्या करना होगा, साइड में क्लिक करके ये प्लस आइकन आ गया। तो आने के बाद इसको क्लिक करो, यहाँ से हमें रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, इसको फुल स्क्रीन कर दो। ठीक है, फुल स्क्रीन एकदम ऐसे दिखना चाहिए। और यहाँ से हमें कलर एंड फिल में जाना होगा और यहाँ मुझे पिंक कलर लेना होगा। यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ से हमें इफेक्ट लेना होगा जो हमने अभी रेक्टेंगल बॉक्स लिया इसी पे सिलेक्ट रहेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हम एक इफेक्ट पे आते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। यहाँ हमें 3 इफेक्ट हमें डालना होगा। पहले जो है कॉपी बैकग्राउंड हमें क्लिक किया, यहाँ छेड़खानी नहीं करेंगे, बैक आ जाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, फिर से ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ गाजियान एंड बलार जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम जाएंगे यहाँ से जो एक्सपोजर जो गामा जो है इसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले जो है गाजियान एंड बलार जो है इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ से 295 तक हम कर देते हैं। ठीक है, 295 या 300 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने के बाद यहाँ से बैक आते हैं, आने के बाद फिर से इफेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो हमें एक्सपोजर एंड गामा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ जो एक्सपोजर है इसको हम क्या करेंगे, -58 तक हम ले जाएंगे। हाँ ठीक है, 58 तक ले जाएंगे। और यहाँ कलर भी आप देख सकते हो कैसा हो गया। और यहाँ जो ऑफसेट है नीचे इसको हम -6 कर देंगे। ठीक है, 6 हो गया। यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, आप जो देखो ये पहले रेक्टेंगल पे ही अभी मतलब सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, डिफरेंस में जाएंगे, यहाँ से सबट्रैक कर देंगे। सबट्रैक करने के बाद फोटो का देखो कलर देखो कुछ किस टाइप से आ गया, इसी टाइप से होना चाहिए। आप हर एक चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से बैक आते हैं, आने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से और बैक जाना होगा। यहाँ से हमें फिर से एक रेक्टेंगल लेना होगा, देखने के बाद इसका जो कलर होगा इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इसका कलर चेंज कर देना, व्हाइट कर देना। करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। आने के बाद यहाँ क्या करना होगा, यहाँ से इसको जो है इसके ऊपर जो कोई भी हम इफेक्ट नहीं लगाएंगे, बस यहाँ ब्लेंडिंग में आएंगे। यहाँ से क्या करना होगा, नीचे जाना होगा, कॉन्ट्रास्ट पे आपको जाना होगा, यहाँ से आपको बस इसको ओवरले कर देना होगा। पहले कैसा था, अभी थोड़ा लाइट आ गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर से और एक लेंगे इसी टाइप का, फिर से बैक आते, फिर से हम यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, फुल करते हैं, फिर से इसको क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे। व्हाइट करने के बाद बैक आएंगे, यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे, कॉन्ट्रास्ट पर जाएंगे, यहाँ से ओवरले कर देंगे। आप यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा कम करें, 80 या 70 तक आप जो है इसको ला के छोड़ दो। छोड़ने के बाद यहाँ से फिर से बैक आओ, बैक आने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको और एक लेना होगा रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से ले लो, इसका भी कलर जो है जैसा आया है ऐसा ही आपको रहने देना है, या तो आप चाहो तो वहाँ जाके आप कलर पर जाके चेंज कर सकते हो। और यहाँ आपको पिंक ही लेना है। ठीक है, होने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से इफेक्ट पे जाना होगा, इफेक्ट पे जाके यहाँ कॉपी बैकग्राउंड जो है इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किया, कोई छेड़खानी नहीं करना है, बैक आना है, यहाँ से जाना होगा इफेक्ट पे, हमें जो और एक इफेक्ट लेना होगा। इसका जो इफेक्ट होगा उसका गार्डियंस एंड गार्डियंस लिखा होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, जी
आर ए देना होगा। तो ऐसे में वो चीज़ आ जाए, ग्रेडियंट ओवरले जो है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। करने के बाद स्टैंडर्ड पे आपने ये को ले लेना है। तो ऐसे में क्या करना, ये जो गार्डियन है ना, गार्डियन ओवरले, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ से दो कलर है, पहले जो कलर है इसके ऊपर क्लिक करो, इसको व्हाइट कर दो, और सेकंड जो येलो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको ब्लैक कर दो। ब्लैक करने के बाद थोड़ा आपको नीचे जाना होगा, ठीक है। मैं नीचे जाना, यहाँ अल्फा आपको जो है नीचे ले जाना होगा। यहाँ आपको अल्फा एक देखने को मिलेगा, तो नीचे जाए देखो यहाँ अल्फा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। करने के बाद इसको करना क्या होगा, इसको आपको 50% कर देना होगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, इसको 50% तक लेके आता हूँ, प्लस 50%, एक चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ से 50 हो गया, 50 होने के बाद थोड़ा आपको नीचे जाना होगा। यहाँ जो ब्लेंडिंग मोड है इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिया, करने के बाद आपको करना क्या, जो थर्ड है ना, यहाँ से साइड में क्लिक करो, जो थर्ड वाला है रेक्टेंगल, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, यहाँ से देखो यहाँ जो हम इसको कम किया था, इसको हम अभी 80 या 90 तक हम इसको लेके आते हैं। बाकी ये जो मैंने प्रोसेस दिखाया तो ऐसे ही आपको इस वीडियो को लेना है। बाकी ऊपर आपको देखो इसमें है, इसको क्लिक करके यहाँ से जो है आप वीडियो के जो भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप जो इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, और आपका जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेवल बन के रेडी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप कोई वीडियो को एडिट करने के लिए आप जाओ मतलब यूट्यूब में, तो ऐसे में वीडियो का जो क्वालिटी हो वो हमेशा हाई क्वालिटी में सेव करना। ऐसे में आपके जो वीडियो एडिटिंग है और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो ऐसे में हमने 4K वीडियो और HDR कलर ग्रेडिंग करके हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो का हम यहीं से खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा जो सिखाने का तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आया है तो ऐसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक और वीडियो एडिटिंग के रिगार्डिंग इस चैनल में वीडियो अपलोड होता रहेगा हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू।